हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ब्लॉगर कृष्णा। और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही सिंपल वे में एक भिंडी की बहुत ही टेस्टी और न्यू सब्जी। दोस्तों, आप लोगों ने ये सब्जी पहली बार ही देखी होगी शायद से। तो इस सब्जी को हम बेसन में मिला के बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने बेसन लिया है थोड़ा, और उसमें थोड़ा हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा जीरा, सौंफ डाल के, और इसे एक लिक्विड बनाना है। जैसे हमें पकौड़े का बैटर करते हैं, हमें बिल्कुल उसी तरीके का बैटर बनाना है। इसे अच्छे से लम्स फ्री बैटर बनाएं, क्योंकि इसे जितना पकोड़े का घोल करते हैं हम वैसे ही बनाना है। और ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। इस तरीके का बैटर बना लीजिए। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये देखिए इस तरह से फ्लोइंग बैटर है। ये देखिए, इसको इस तरीके का बैटर बना के, और मैंने जो इस तरीके से भिंडियाँ छोटी छोटी काट के रखी, आप इसे थोड़ी सी बड़ी भी काट सकते हैं, और मैं इस बैटर को इस भिंडी में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, और इस बैटर को इस तरीके से मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि भिंडी में एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उससे भिंडी बहुत ही लिक्विडी वैसी हो जाती है, चिपचिपी टाइप की। तो हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस हल्के से हमें ऐसे मिलाना है ताकि बेसन सारी भिंडियों में कोट हो जाए। इस तरीके से दोस्तों, इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है ये, बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसे एक बार बनाएंगे तो हमेशा ही बनाना पसंद करेंगे। और अगर ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए, फिर हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेना, उसमें ऐसे तेल डाल के थोड़ा गर्म करके हमें इसे एक एक करके पकौड़े डाल के इसे तल लेना है भिंडी को। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अच्छे करारे होने तक सेकिएगा। और ये देखिए, और दोस्तों आप इसे ऐसी एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं बरसात में, बहुत ही नई डिश है। ये देखिए इस तरीके से हमें पकोड़े बन जाते हैं ये, और हमें ये इस तरीके से कुरकुरे करके तलना है। और फिर इस तरीके से देखिए, ये पूरे पकोड़े मैंने तल लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें एक दूसरा पैन लेना है, उसमें हमें थोड़ा तेल डालना है, जीरा, राई, बघार का जो डालते हैं हम, वो सब सामान डालना है, और थोड़ा इसे चटकने देना, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए और इसे अच्छे से चटका लीजिए। और फिर मैंने ये दो प्याज काट के रखी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना भी आप पसंद करते हैं। तो इस तरीके से प्याज को डाल देना, हमें इसे ज़्यादा सेकना नहीं है, बस सौते करना है। और इसके बाद जो सिंपल से मसाले हैं, धनिया, मिर्ची वगैरह, हल्दी, नमक, इसको एक पेस्ट बना के इस प्याज में डाल देना है, और इसे अच्छे से चला के पकाना है। ताकि देखो, इस तरीके से डालने से दो फायदे हैं, एक तो मसाला जलता नहीं है और इसके बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ये, और इसी तरीके से हमें 2-3 मिनट तक पकाना है इसे हिला हिला के, ताकि बहुत अच्छे इवनली मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। और फिर उसके बाद हमें ये 4 टमाटर की प्यूरी है, तो उस टमाटर की प्यूरी को डाल के और ढक के पका लीजिए मसाले को। ये देखिए, ढक्कन हटाने के बाद देखेंगे आप, मसाला बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। और आप इसमें थोड़ा सा पानी, आपको अगर पतली सब्जी चाहिए है तो थोड़ा सा आप पानी डालिए, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली है मैंने। और उसके बाद हमें ये देखिए पूरे पकौड़े डाल देने हैं, और इसे हल्के से चला देना है। दोस्तों, इतनी स्वादिष्ट सब्जी लगती है ना, जो भिंडी ना भी खाता हो तो उसे भी ये सब्जी पसंद आएगी। आप इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ड्राई बनाई है, तो आप इसे लिक्विडी भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी।